अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा रूम, हम रात को इतने थके हुए थे कि आके सो चुके थे। अभी हम उठे हैं, फ्रेश हुए हैं ज़रा, बाकी दोस्त फ्रेश हो रहे हैं, मैं तो रेडी हो चुका हूँ। और ये आपको ज़रा बाहर का सीन दिखाते हैं। ये शारदा, हाँ फ्रेश होंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सफर शुरू करेंगे। केल केल जाएंगे यहाँ से, तो मौसम आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम नाश्ते के लिए आए हैं, ज़रा नाश्ता करेंगे। ये आप देख सकते हैं शारदा बाज़ार, और ये पीछे पार्टी। यार आप ऐसे ही आए थे, सारे पूछ रहे हैं किधर है, रूम सोम है। ये हमारे अफसान भाई, ये बदर भाई, वो बदर भाई, इसका वो आपको पता है। बाकी हम नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और हमने इतने कपड़े पहन लिए, इतने कपड़े पहन लिए कि हमें इतना मजा आ रहा है, मोटे हो गए हैं सारे। ये बाजार देखिए, आ जाओ आ जाओ। तो ले जी, अभी हमने नाश्ता कर लिया है, वो आपको दिखाना बोल गया हमने क्या नाश्ता किया, लेकिन हमने कर लिया है क्योंकि भूख भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, चाय भी जमी हुई, ये पानी भी गर्म करके आ रहा है। बाकी अभी हम चलते हैं, एक भी आप कुछ कहना चाहेंगे, सब नाज़रीन आपको देखने के लिए मुंतज़िर है, सुनने के लिए मंतव्य है। बहुत मजा आया, इन्हें बताया तो ठंड कितनी है, ठंड ये स्नान भैया सुबह सुबह ना आए, हमें ये कोई भी नहीं ना आया, मैं भी नहीं। अभी निकल चुके हैं हम तेल के लिए, ये सारे दोस्त आके बैठे हैं। अरे ये आप देख सकते हैं, शारदा से निकल चुके हैं, मैं तो नीचे बैठ के बोर हो रहा था, मैंने सोचा क्यों ना ऊपर चलें और इन खूबसूरत मंजर का लुत्फ उठाएं। ये केल, तो अभी हमें यहाँ से चेयरलिफ्ट से जाएंगे उस तरफ अड़ंगेल की तरफ, वो सामने आप अड़ंगेल देख सकते, ये बिल्कुल अड़ंगेल के पहाड़ है। ट्रैवल के बाद हम यहाँ पर पहुँचे, लेकिन यहाँ पे आके सारी फ्रस्ट्रेशन पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हम केल। अभी अड़ंगेल की तरफ जा रहे हैं, ये चेयरलिफ्ट की तरफ। हाँ जी पहुँच गए, वापस चलिए। ये हमारे अरसलान भाई बहुत खामोश है, ये कुछ आप ही कमेंट्स में बताएं कि भाई क्यों नहीं बोल रहे, क्या वजह हो सकती है। हम पहुंच चुके हैं चेयरलिफ्ट की तरफ, ये सब दोस्त लाइन में। इंतहा गई इंतजार की, यार सफर करो, बारी आएगी हमारी भी बारी आएगी। ये पीछे देखो, ओ हो, लो जी आगे जी, ले जी हम पहुंच चुके हैं। स्लो शुरू हो गई है, ओ यार दरख्तां तो डिगदी पई है, चलो सर जाना भाई। हां चलो यार, अपना ना वो इधर आप फोटो टैग। अभी हमारी ट्रैकिंग शुरू होने वाली है, ये सारे दोस्त आगे जा रहे हैं, और बहुत मुश्किल पहुंचे हैं यहाँ पे हम। ये आप देखें ज़रा पीछे से,
अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी रे बताओ कितनी मुश्किल ट्रैकिंग थी। मुश्किल था, मजा ही और नहीं है। अच्छा जी, फिलहाल हम पहुंच गए माशाल्लाह अपनी मंजिल पे। हम पहुंच गए हैं। ये हमारा रूम, ये हमारा हीटर और ये ऐसे पक्के ही यार। जी अभी हम रेस्ट करते हैं तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जा रहे हैं वापस। चीता भैया ठीक है, बहुत मजा आया, यकीन करें। और मजे की बात ये है कि आज रात होगी स्नो फॉलिंग और कोई भी नहीं आया इधर। इधर सिर्फ हौसले से आप आ सकते हैं, जज्बे से, जुनून से, अदरवाइज पैसों से ये चीजें नहीं देखी जाती। बाकी बहुत इंजॉय किया हमने, आप भी जरूर आए, फैमिली को मत लाएं। इतनी डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे जितनी होनी चाहिए फैमिली के लिए। हम आपको लाइव स्नोफॉल इंशाल्लाह दिखाएंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ये देखिए जी, सर्दी की इतनी इंतहा है कि पानी सारा जम चुका है। सर्दी का मंजर है रामगढ़ में। अभी उसे कहा है पानी गर्म करके लाएगा तो फिर ये टाइम देखिए जरा क्या हो चुका है। 11 ही बज चुके हैं, हमारा हीटर चल रहा है और लकड़ियां भी खाई। ये 26 नंबर से निकाला आज, माशाल्लाह फ्रेश है। कल हम आए थे तो सो चुके थे, अभी तो फिर फिलहाल महफिल पकी हुई है। जैसे कि खाली हो चुका है। आ जाओ भाई जी। जी हम अंकल को लाफिज कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर ये करना मत भूलिएगा।